अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाजुक किचन में आपका मोस्ट वेलकम है। आज नाजुक किचन में कीमे का पकौड़ा बन रहा है, जो हर साल रमज़ान में बनता ज़रूर है। और ये जामा मस्जिद स्पेशल है, पुरानी दिल्ली। जब भी आप जामा मस्जिद में जाएं तो इस तरह का पकौड़ा आप ज़रूर खाएं, बेहद टेस्टी लगता है। तो मैं भी अक्सर खाया करती हूँ। ये मैंने हाफ के जी कीमा लिया है, और ये अंडा लिया है, ये भुना हुआ ज़ीरा है, और ये साबुत धनिया जिसको मैंने सिल पर दो आधे कर लिया है, और ये बेसन और ये अनियन। चलिए अब इसमें मसाले को डाल देते हैं। साबुत धनिया इसमें ज़रूर पड़ती है, जिसको दो आधे आप चाहे अमलदस्ते में चाहे सिल पर इसे थोड़ा सा क्रश कर लें, जो टुकड़ों में हो जाए। ये भुना हुआ सौंफ है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसमें साबुत मिर्च क्रश की हुई, या आपके पास चिली फ्लेक्स है तो उसे ऐड कर दें। अब इसमें हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरी धनिया, ये बहुत ही टेस्टी होती है। अब इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया जो काट कर रखा था। अब इसमें बेसन, 4 टेबल स्पून मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। अब इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लें। एक अंडा मैंने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर रेगुलर वाली। तो सारा दारोमदार इसके मिक्स करने पर है, आप कितना अच्छे से इसे मिक्स करती हैं। ये बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए। इसमें मैंने खड़ा ज़ीरा ऐड किया है और थोड़ा सा विनेगर। आप थोड़ा साल्ट ऐड कर देते हैं टेस्ट योर अकॉर्डिंग। आप इसे काफ़ी अच्छे से स्मूथ मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप आधा घंटा रख सकती हैं, वरना फौरी तौर पर इसे तल सकती हैं। मैं इसे 10-15 मिनट के लिए रखा सिर्फ, और उसके बाद मैं तलने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। मैं हाफ जो है सेव कर रही हूँ और इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। जब तलने से 4-5 घंटा पहले इसे निकाल कर बाहर रख लें और बना लें। तेल गर्म हो चुका है, अब इसे इस तरह से गोल करेंगे और अंगूठा पुश करते हुए बीच में बस हल्का सा दबा देना है। ये देखिए, बस इस तरह से मैंने लिया और इस तरह से सारे प्रोसेस से सेम बना लेंगे। तेल अच्छा गर्म हो चुका है, और अब आँच को कर दिया मैंने मीडियम टू लो, और एक एक करके सबको इसमें डाल देंगे। और इसे बिल्कुल नहीं चलाएँगे जब तक आधे से ज़्यादा ये पकौड़ी हो नहीं जाती है, कीमा पकौड़ा। चलिए अब इसे चला लेते हैं। आधे से ज़्यादा हो चुकी है, इस तरह से होने पर ही आप इसे पलटें। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है जामा मस्जिद स्टाइल कीमा पकौड़ा। तो आप अपने किचन में इसे ज़रूर एक बार बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, और उनके मुँह से सुने वाह क्या तुमने बनाया, तो बहुत ही ज़बरदस्त। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। कोई नई वीडियो लेकर आती हूँ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।